सुशांत सिंह राजपूत मामले में 4 महीने बाद भी जांच थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक के बाद एक नए चेहरे इस मामले में सामने आ रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में सामने आ रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद की जमानत अर्जी को एनसीबी ने अदालत में कैंसिल करवा दिया, लेकिन ड्रग मामले में एक और नया ऐलान हुआ है। एनसीबी क्राइम ब्रांच ने एक और नए शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नाम है उनका जय मधो। ये कोई नया नाम नहीं, आप भी जानते हैं। सारी एजेंसियां सुशांत मामले की जांच जारी रखकर आगे की कार्यवाही कर रही है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इस पर नया मामला सामने लाकर लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल जय मधोक, जो ये आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, जय मधोक को कर लिया गया है गिरफ्तार। एनसीबी ने छापेमारी की और ड्रग पेगलर नाम के जय मधोक मुंबई में धर दबोचे गए पुलिस की तरफ से, और सांता क्रूज इलाके में रहने वाले जय मधोक को ड्रग पेडलर के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक्ट के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से ड्रग बेचा करते थे। ड्रग का इस्तेमाल करने से लेकर इसकी सप्लाई करने तक का आरोप उन पर लगा है। रिया चक्रवर्ती तो बेल ले चुकी है, लेकिन अब भी रिया के भाई शौविक ड्रग मामले में पेडलर्स के साथ तलोजा जेल में बंद है। ऐसे में मधोक किस तरह से बुरे तरीके से ड्रग का इस्तेमाल करते थे, इस पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने स्टेटमेंट दिया और कहा, कई ड्रग पेडलर हैं जिनसे पूछताछ पता चला कि जय मधोक का नाम वो ले रहे हैं। ऐसे में 22 अन्य लोगों को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है रिया के भाई के साथ। अब इसमें रिया को जमानत मिली है, लेकिन शौवी का बाहर आना मुश्किल है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल सीबीआई ने कह दिया है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई और जांच अब भी जारी है। आगे की प्रतिक्रिया मिलेगी जब पूरा जांच खत्म की जाएगी, और एम्स के रिपोर्ट से सीबीआई जांच का लेना देना जरूर है, लेकिन सीबीआई जांच का अंत एम्स की रिपोर्ट आने से नहीं होगा। ये सीबीआई की तरफ से कंफर्मेशन मिली।